रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस, मैं आज आपको इस अपोजिशन की दोगली और मुनाफकाना रवैया दिखाऊंगा कि ये जब पहली कोरोना की वेव आई थी तो उस वक्त क्या फरमाते थे और अब क्या कह रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिएगा। लॉकडाउन है, हम समझ रहे हैं कोई खतरा है, तभी तो 14 दिन लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट मुकम्मल नाकाम हो गई है पाकिस्तानियों की जानें बचाने में। जिन मुल्कों ने इसको रोका है सवाए लॉकडाउन के और कोई तरीका नजर। कोरोना फैल चुका है इस वक्त हमारे मुल्क के हर इलाके में। इस वक्त अगर हम लगाएंगे ना तो शायद हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, लॉकडाउन से काम चलने वाला नहीं। अब कितने लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, आपने बाजारों की हालत देखी है, आपने मुख्य तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि अब आप कर्फ्यू भी लगाएंगे तो अब ये रुकेगा नहीं। जो मुराद अली शाह साहब किस तरह की मुनाफकाना रवैया अख्तियार कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के हालात और बिगड़े तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए, इनका ये एजेंडा है, मगरबी एजेंडा और दुश्मन एजेंडा है। आज की एक अजीब और गरीब मंतर कुछ ऑपोजिशन के लीडरों ने दिया, जरा कॉल दी है कि हम जो है एक जलसा करेंगे। ठीक, आप ना आए ना, अगर आपको अपनी जिंदगी जबरदस्ती नहीं कहा आप आए, हमने कहा जलसा। उन्होंने एक एक आगाही जो है वो दे दी है, अगर उसके बाद अगर लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो सही कह रही है तो ठीक है। हमारे समझते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सिम्टम्स है, ना और जो आए वो मास्क लगा के आए। ये है हालात के। अब कायरा साहब ने भी एक बड़ा